2024 लोकसभा के इलेक्शन का विगुल राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा कैंडिडेट की घोषणा शुरू हो गई है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साझा कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के कद्दावर नेता महाबल मिश्रा, जिन्होंने 2022 में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। महाबल मिश्रा मूल रूप से बिहार के मधुबनी स्थित सिरैयापुर के रहने वाले हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1953 को हुआ था। महाबल मिश्रा ने अपनी पढ़ाई मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज से की थी। साल 1966 में उनकी शादी उर्मिला मिश्रा से हुई। उनकी एक बेटी और 2 बेटों के साथ दिल्ली में रहते हैं। बेटा विनय मिश्रा भी आम आदमी पार्टी से द्वारका विधायक है। उन्होंने डिप्लोमा इन ट्रांजिस्टर थ्योरी से डिप्लोमा किया है। आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद 1982 में सामाजिक कार्यों में लग गए। दिल्ली की राजनीति में महाबल मिश्रा एक मशहूर नाम है। वो कई सालों से दिल्ली में पूर्वांचल समुदाय का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। भारतीय सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने 1997 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़े और जीते। महाबल मिश्रा 1997 से 2008 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के सदस्य रहे। महाबल मिश्रा की पहचान पहले कांग्रेस के पूर्वांचली नेता के रूप में रही। महाबल मिश्रा ने साल 2022 में CM अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मैं पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी आम आदमी से इंडिया गठबंधन के मैं महाबल मिश्रा बोल रहा हूं। नमस्कार सर। पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से टिकट पर उम्मीदवार जो आप बनने पर जो आपका निर्णय है उसके बारे में आप बताइए। मैं धन्यवाद करता हूं आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता का जो मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किए हैं और जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों का आशीर्वाद जो मिला है प्रत्याशी के रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका स्नेह और प्यार मुझे वोट के रूप में मिलेगा और आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। जी जरूर मिलेगा सर। कृपया बताइए कि आप पश्चिमी दिल्ली से पूर्वांचली वोटर्स की समस्याओं का समाधान किस योजना से आप कर सकते हैं। आप ऐसा है मैंने सबका सम्मान किया है और आज मैं 1985 से दिल्ली में राजनीति शुरू किया। 97 में काउंसिलर एमए, 98 में एमएलए, 2003 में एमएलए, 2008 में एमएलए, 2009 में पार्लियामेंट मेंबर बना। आज दिल्ली में आप देखिएगा यदि पूर्वांचल की बात करते हैं आपने क्वेश्चन किया तो मैं सभी समाज को लेकर चला हूं और दिल्ली में छठ की छुट्टी, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित कराना, भोजपुरी मैथिली अकादमी का गठन कराना, उत्तरांचल की एकेडमी बनाना और तमाम जो समस्या का निदान है। आज अनथराइज कॉलोनी में जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है उसको बिजली, पानी, रोड, नाली, मास्टर प्लान के हिसाब से जिस तरह से मैंने किया तो सभी का हित का रक्षा किया। तो सर आपका कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में स्विच क्यों किया और क्या आपको लगता है कि ये अभियान प्रभावित करेगा आगे? निश्चित रूप से जो आदरणीय केजरीवाल जी जो काम किया, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा था गरीब आदमी की मदद कर मीडियम क्लास को, तो आज ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका 8 से 10 हजार का फायदा श्री अरविंद केजरीवाल जी, चाहे बिजली पानी माफ के रूप में हो, चाहे हॉस्पिटल आज स्वास्थ्य का लाभ देना हो, चाहे शिक्षा की पद्धति इतनी अच्छी है जो वर्ल्ड से लोग यहाँ के शिक्षा पद्धति को देखने आते हैं। अब महिलाओं को बस फ्री, देखिए बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना और अभी कल्ले बजट पास किया है जो 18 साल से जो बड़ी कोई भी महिला होगा उसको 1000 रूपया प्रति महीना मिलेगा, तो एक घर में 5 महिला होगा तो 5000 और मिलेगा, तो इस तरह से 10 से 15 हजार का फायदा जो दिया, तो ये एक मोटिवेट किया जिस गरीब का लड़ाई में लड़ रहा था उसको फायदा मिल रहा है। इसलिए कोई पार्टी में ज्वाइन किया, सबका पार्टी में ज्वाइन किया तो मुझे कोई गम नहीं है। तो सर हाईलाइट कीजिए कि आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट साझेदारी समझते हैं।
बिल्कुल समझदारी है। इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ और उसमें 3 सीट कांग्रेस को और 4 सीट आम आदमी को मिला, तो ये गठबंधन का जो है वो सभी राष्ट्र में जितने भी आज इंडिया गठबंधन में पार्टी है सबका विचारधारा में एक ही बात है, जो हम समाज को धर्म के नाम पर जात के नाम पर ना बांटे, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़े। तो आज विकास के नाम पर चुनाव लड़े, आप मैं कहता हूं कहा था नारा दिया था 15-15 लाख रुपए मिलेगा अच्छा दिन आ जाएगा, तो आपके मम्मी और पापा भी अकाउंट खोलवाए होंगे 15-15 लाख मिला तो बता दो, झूठ बोला। आज 2.5 करोड़ को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, कितनों को नौकरी मिला, महंगाई खत्म, जिस तरह से पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ा उसका असर सब पर पड़ता है, तो आज जो महंगाई बढ़ी है बेरोजगारी पर किसी पर चर्चा नहीं हुआ, किसान बॉर्डर पर MSP की लड़ाई लड़ रहा देख नहीं रहे हैं, लेकिन 2-4 परिवार जो बड़े उद्योगपति हैं उसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो राष्ट्र हित में जनता के हित में जब तक काम नहीं करेगा तो राष्ट्र हित कैसे होगा, तो आप 2-4 परिवार के लिए काम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित की काम जो करेगा उसके साथ हुआ। श्री अरविंद केजरीवाल जी समाज हित में राष्ट्र हित में काम कर रहा और कांग्रेस भी उसके हित में काम कर रहा, मैं उनके साथ हूँ। अगर चुने गए तो पश्चिमी दिल्ली के लिए आपकी शीर्ष प्राथमिकताएं क्या क्या होंगी? मैं पहले भी विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आप जाके देखिए खेड़ा डाबर में हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आप दादादेव हॉस्पिटल देखिए, आप देखें जाकर के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका में, आप जाके देखिए ये जो सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी, दिल्ली हार्ट, फ्लाईओवर, मेट्रो का मेट्रो और जनकपुरी से लेकर एलिवेटेड रोड, तो दिल्ली में जो विकास किया, अब ग्रिड लाया, UGR बनाया जल बोर्ड का, तो पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सड़क का निर्माण ये सब किया, तो विकास का काम हमें सब जानता है और महाबल मिश्रा को विकास के नाम से जाना जाता है। विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। सर, महामारी के दौरान मतदाताओं के साथ कैसे जुड़ने की योजना बना रहे हैं आप? देखिए कोरोना में जब दिल्ली में हुआ था, कोरोना हुआ था, तो दुनिया दिल्ली जानता है जो महाबल मिश्रा और महाबल मिश्रा का परिवार किस तरह से लोगों की सेवा किया, जब कोरोना हुआ था तो किस तरह से सेवा किया सब जानता है, तो मैं सेवा में हमेशा रहा हूँ, सेवा में हमेशा रहूंगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 4 लोकसभा सीटों के लिए और हरियाणा में 1 के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया। पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में 7 लोकसभा सीटों में से 4 और हरियाणा में से 10 सीटों में 1 लड़ेंगी। दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को दी गई, यह घोषणा अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई। महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से पूर्व कांग्रेस सांसद इस बार आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार कर रहे हैं। 70 वर्षीय नेता ने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी। यह सीट पूर्वांचल मतदाताओं से भरा है और अगर पूर्वांचल मतदाताओं ने एक तरफा वोटिंग की तो महाबल मिश्रा बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। दिल्ली के सामने मुख्य मुद्दे क्या हैं और क्या आप इन्हें किस तरीके से हल करना चाहते हैं? पश्चिमी दिल्ली के सामने है समस्या विकास का मुद्दा है, जो विकास आज सब जानता है, एलिवेटेड रोड का हो रहा है परसों उद्घाटन, देन किसका है सब जानता है, एलिवेटेड रोड द्वारका से बन जा रहा है अभी, उसका देन किसका है सब जानता है। तो भाई हम विकास किया, विकास करेंगे, हमारा एम बहुत बड़ा है, हम एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, 1 बार काउंसिलर, 3 बार MLA, 1 बार MP, जो हमारे सामने पार्षद आए हैं तो पार्षद अभी काउंसिलर थे, तो उनको पहचानने में कहाँ है डाबरी एक्सटेंशन, कहाँ है दुर्गा पार्क, कहाँ है संगम भी, मैंने जो आज जानने के दिल्ली को जानने का उनको सैनिक इंक्लेव कहाँ है, सीतापुरी कहाँ है, उनको जानने का मौका अभी देर लगेगा, 5 साल में वो जानेंगे लोगों को। और महाबल मिश्रा जानते हैं 1985 से महाबल मिश्रा अनाथराज कोनी की समस्या का निदान का काम किया, इसलिए जन जन मुझे जानता है और गांव का देहात का काम किया, जन जन जानता है मास्टर प्लान के माध्यम से देहात का काम किया और वो काम मुझे मास्टर प्लान में चेंज लाया था, तो देहात से लेकर अनाथराज कोनी से लेकर के आप पंजाबी बाग, तिलक नगर, हरी नगर सबकी समस्या का निदान किया, सब जानते हैं,
लेकिन जो हमारे सामने कैंडिडेट आए हैं वो नए हैं, उनको सीखने में 5 साल लगेगा, जानने में गली मोहल्ला को 5 साल लगेगा। तो भैया लोग कंपाउंडर से दवा लेना चाहेंगे, आकि स्पेशलिस्ट से, तो जनता जानती है जो किससे दवा लेना है, उसको वोट देगा। सर हाईलाइट करेंगे कि आप पश्चिमी दिल्ली में आपको अन्य उम्मीदवारों से क्या अलग करता है, क्या डिफरेंस आपका? मैं बता तो दिया, जो हमारे सामने उम्मीदवार है पार्षद है, पार्षद की सरकार में, और मेरा जो 12 साल का एक्सपीरियंस रहा डीडीए में, तो वो एक्सपीरियंस मैं पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन रहा, मेंबर रहा, जो आप पेट्रोलियम कमेटी का पीएनजी का पाइप 1 लाख कनेक्शन लिया, तो सारी चीज हमको जानकारी है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं आएगा। और जो नए हैं उनको दिक्कत आएगा, इसलिए प्राथमिकता मेरा समझा था विकास का मुद्दा ही मेरा रहेगा। आप दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य से आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं सेवक के रूप में काम किया, आज मेरे बारे में मैं नहीं कहूंगा, आप जाकर के लोगों से पूछिए, जब लोग खंभे पर तार लगा के बिजली लेते थे, पानी नहीं था, इतने तक गड्ढे था, तो अनथाइज करने की पॉलिसी बनाया, विकास की पॉलिसी बना, बिजली पानी रोड नाली का पॉलिसी बनाया, जो आज अनथाइज कोनी में जिस समय हम आए थे 80% लोगों के पास लिंटर की मकान नहीं थी, टुकड़ी का मकान हुआ करता था, इतने इतने गड्ढे में रहते थे, आज भगवान के दया से सारे अनथाइज कॉलोनी में पानी की लाइन और बिजली का पोल रोड नाली बने हुए हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो कोई डॉक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, तो पढ़े लिखे हैं, तो उज्जवल भविष्य की मैं उनकी कामना करता हूं। तो दिल्ली में जो भी बाहर से आया है उसका उज्जवल भविष्य होने में महाबल मिश्रा का जो भी मदद हो सका हमने किया है। पश्चिमी दिल्ली के विकास के लिए आपके दृष्टिकोण को सारांश में बताएं और आप इसके लिए योजना जो आप बना रहे हैं उसके बारे में। मेरा योजना है विकास का, और बहुत सारे विकास योजना है जो मैं करूंगा। अब स्वास्थ्य में, स्कूल में, अब देखिए कॉलेज की बात है, मैं चुनाव जीता, यूनिवर्सिटी लाया, आईपी यूनिवर्सिटी लाया, इसके बाद कॉलेज बनाया, तो स्कूल बनाया, स्कूल में जो भी हमसे होगा, यातायात में आप देखिए ककरोला से, द्वारका से ढांसा स्टैंड तक मेट्रो, और जनकपुरी से लेकर कालंदी कुंड तक मेट्रो, आप जाके देखें एलिवेटेड रोड जनकपुरी में, जो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेके पीलागाड़ी आगे जो गया है वो हमारा देन है। तो इस तरह से विकास किया, विकास करेंगे, और जो मेरे दिमाग में है सारा विकास होगा। 10 साल में एक भी विकास नहीं हुआ है, वो पेंडिंग विकास होगा। और का निवासी हूँ, हमें बहुत खुशी हुई, महाबल मिश्रा जी को टिकट दिया, इन्हें पहले भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे का सारा ही काम इन्हीं का देंगे, यहाँ पूरी कॉलोनी का विकास इन्हीं की देन है। मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है ना 100% विजयी है, और आगे भी काम करेंगे। आगे क्या लगता है सर, आगे क्या क्या चीजें विकास कर सकते हैं? रफ्तारी बढ़ाएं आगे, इतना भी विकास जो दे रखा है ना, इसी जो रुका है इसको आगे रफ्तार दे, बस उम्मीद करेंगे। मेरा नाम सुरेश चौधरी है, मैं एक्चुअली बिहार करने वाला हूँ, लेकिन उससे मतलब मिश्रा जी सबके परिचय में जिस समय मिश्रा जाके मिलिए खड़े जाते हैं, बाप बेटे दोनों भी, इनके बेटे भी हैं, ये भी हैं, जावजेक जंक्शन है, इन्हीं का देने पानी का बिजली का, बिजली का इनको पास से घरेलू संबंध मिल घर से मिल लेते हैं दवा क्या, ये काम कीजिए, बहुत बढ़िया आदमी है, तो कोई शक बात नहीं, कोई बिहारी भारत को नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए मिलकर रहते हैं, जिस समय आ जाए तो आगे देश विकास करेगा, बिल्कुल करेगा जी। इसमें कहा क्या बीजेपी वाला ने दिया, कुछ दिया सकते हैं, सर ने पीछे बहुत विकास किया है, पूरे रोड नाली खरंजा जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं हुई वो सर ने सारी समस्याओं को समाधान किया है। ये बहुत बड़ा नाला था जिसको नाला को सर ने ढकवाने का काम किया, हजारों परिवार का ही उत्थान हुआ। सर पहले कांग्रेस में थे और अभी आम आदमी पार्टी में स्विच करने का क्या? तो सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थे सर, मतलब जहां भी सर रहेंगे वहां काम करेंगे,
उससे बेहतर काम करके दिखाएंगे। क्या क्या बेहतर काम हो सकते हैं दिल्ली के विकास की बात करें? दिल्ली के विकास के बारे में सर ने बहुत सारे विकास किए हैं। सर गरीब आदमी की सारी समस्याओं को सुनते हैं और गरीब आदमी की सारी समस्याओं को पार्लियामेंट में तक उठाते हैं। पूर्वांचल की समस्या को सर ने दिल्ली में जो छठ घाट नहीं बने थे ये सर की ही देन है। पूरे दिल्ली में छठ घाट बनाने का काम सर ने ही किया है।